दोस्तों क्या सच है कि दो मुंह वाला सांप 25 करोड़ का बिकता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में है और इंडिया में भी ये 5 से 10 लाख का बिक जाता है। इसे दो मुंह वाला सांप कहते हैं, इंग्लिश में इसे सैंड बोआ कहते हैं। इस सांप की तस्करी इलीगल है, अगर कोई इसे बेचता या खरीदता पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है। दोस्तों ये जहरीले भी नहीं होते और बहुत ही सीधे किस्म के सांप होते हैं, कभी किसी को नहीं काटता। ये 6 महीने एक मुंह से खाता और चलता है और 6 महीने दूसरे मुंह से खाता और चलता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि खेल दिखाने वाले लोग इस सांप को दिखाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इसे खास बनाती हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि ये बात 3 किलो से ज्यादा वजन वाले सांप के लिए है। इससे कम वजन वाले सांप की कोई कीमत नहीं होती। दो मुंह वाला सांप किस काम आता है? दोस्तों दो मुंह वाला सांप के अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिसके रसायन विधि की मदद से शुद्ध सोना तैयार किया जा सकता है। देखिए कई जड़ी बूटी ऐसी होती हैं जैसे संजीवनी बूटी की मदद से शुद्ध सोना तैयार किया जा सकता है, लेकिन आज के दौर में संजीवनी बूटी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। दो मुंह वाला सांप के अंदर एक ऐसी हड्डी पाई जाती है, अगर आप इसको सिद्ध कर लिया जाए और गले में पहना जाए तो पहनने वाला आदमी जो होगा वो गायब हो जाएगा और लोगों को नहीं दिखाई देगा। दोस्तों दो मुंह वाला सांप के इस्तेमाल से इंडोनेशिया, US और चीन में सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ऐसी दवा बनाई जाती है जिससे 70 साल का बूढ़ा आदमी भी इसका इस्तेमाल करे तो वो 25 साल की जवानी वाला बन जाता है। किंग कोबरा के जहर से भी ऐसे बहुत सारे नुस्खे आयुर्वेद में बनाए जाते हैं जिसका इलाज तरह तरह के इलाज में किया जाता है। दोस्तों अरब देशों में माना जाता है कि दो मुंह वाला सांप खाने से कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है और आदमी जवान दिखने लगता है। वैसे अरब मुस्लिम देश है और मुसलमानों में सांप को खाना गलत माना जाता है। दो मुंह वाला सांप खाने से एड्स जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो US वाले अब तक एड्स को खत्म करने की दवाई बना लेते और पूरी दुनिया में मुंह मांगी कीमत में बेचते। दो मुख वाले सांप का नाता धन के देवता कुबेर से भी होता है और इसके दर्शन करने से धन की प्राप्ति और वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों धन तो मेहनत और काम करने पर आता है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा? आपको बता दें कि इसकी तस्करी कानूनी जुर्म है और अगर कोई इसे बेचता या खरीदता पाया गया तो उसे जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ दो मुंह वाले सांप के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इस वीडियो के संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।